YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लोडर मशीन की बजाय हाथ से लोडिंग कार्य संपन्न कराने की मांग को लेकर मजदूर विस्थापित प्रभावित श्रमिक समिति की बैनर तले बालूमाथ के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन के कुल साइडिंग रैक में कार्यरत मजदूरों ने आज भारी रैली निकाली। रैली समिति अध्यक्ष बाबूलाल लोरा के नेतृत्व में निकाली गई, जहां मजदूरों ने गगनभेदी नारेबाजी करते हुए मांगों से संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में और माथे पर टोकरियां लिए उग्र प्रदर्शन भी किया। फिर स्टेशन परिसर में ही रैली एक नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई, जहां बतौर मुख्य अतिथि लातेहार विधायक प्रकाश राम ने सभा को संबोधित करते हुए मजदूरों को उनका वाजिब हक व अधिकार दिलाने की बातें कही। विधायक ने लोडर के माध्यम से लोडिंग कार्य बंद कराने के लिए एक माह का अल्टीमेटम सीसीएल और रेलवे प्रबंधन को दिया। कहा कि इसके बाद भी सीसीएल और रेलवे प्रबंधन द्वारा मनमानी जारी रही तो लोडिंग कार्य को अनिश्चितकालीन ठप करा दिया जाएगा। सभा के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए और श्रमिकों के हित में जरूरत पड़ी तो कुर्बानी देने संबंधी वचनबद्धता व्यक्त की। वहीं मई दिवस को लेकर मौजूद लोगों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद मजदूरों की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आज मजदूर दिवस मना रहा है। मुझे यह जानकर के बहुत खुशी हो रही है कि आज बालूमाथ रेलवे कोल साइडिंग के आसपास के गांवों से एकजुट होकर के